रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एल्किन्स का प्रिपरेशन एल्कोहल से। इस रिएक्शन को आखिरकार हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर तुम्हें कभी बुखार हुआ हो तो एक शब्द, या फिर कभी मेडिकल गए हो तो एक शब्द तुम्हें बहुत सुनने को मिला होगा, डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी में से पानी निकल जाना। और अगर यहाँ नाम लिया जा रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका मतलब है कि एल्कोहल में से पानी निकल गया है, समझ गए, जो अल्कोहल था ना कंपाउंड, उसमें से पानी निकाल दिया गया है, तो उसे उस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इतनी बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, आखिरकार हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एल्कोहल होता है, जो होता है एल्कोहल, उससे हम हीट कराते हैं। क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? प्रोटोनिक एसिड। अभी समझने वाली बात है कि प्रोटोनिक एसिड आखिरकार होते क्या है। देखो, जहाँ भी प्रोटोन आए तो समझ लेना इसका मतलब है हाइड्रोजन से, H प्लस से, क्योंकि अगर तुम हाइड्रोजन H प्लस जो होता है जस्ट उसके पास एक प्रोटोन ही बचता है, इसलिए प्रोटोन ही बोल सकते हो। प्रोटोनिक एसिड मतलब वो एसिड जिनके पास हाइड्रोजन होता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, तुम्हारे पास आता है H2SO4, इसको बोलते हैं हम क्या? सल्फ्रिक एसिड। एक और हम देख सकते हैं H3PO4, इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। तो हम एल्कोहल को हीट कराने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। यार किसी को भी गर्म कराओगे उसका पानी तो निकल ही जाएगा यार। तो देखो, तो हमें क्या कंपाउंड देखने को मिलता है? हमें कंपाउंड देखने को मिलता है एल्कीन और प्लस वाटर। वाटर तो रिमूव हो गया ना। अब तुम कहोगे भैया ऐसे समझ में नहीं आया है, एक एग्जांपल दीजिए। मैं कहूँगा देखो अल्कोहल ले लो, कोई मेथनॉल लेते हैं जो पीते हैं, H, H, OH, H, H, H। कंडीशन भैया हीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, मान लो H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं। तो हमने क्या किया? हीट कराया। तो ये वाटर कर दो रिमूव। जब वाटर रिमूव करो तो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड H, 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 और बन गया है H2O। अब समस्या यहाँ भी उत्पन्न हो जाती है कि जैसे मान लो भैया अगर एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से का, और ये रहा OH, तो आखिरकार यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, बाकी मान लो से दूसरी चीज़ें भी अटैच हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ भी तुम्हें बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो यहाँ जो इसको अगर हम अल्फ़ा मानते हैं तो इसके जस्ट बगल वाले को बीटा बोलेंगे। तो ऐसी कहानी होने वाली कि अगर जिस कार्बन से कुछ ग्रुप अटैच होते वो मेन होता है, तो इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, बगल वाले को हम बीटा बोलेंगे, इसको ही बीटा बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आखिरकार जो हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, ये एक प्रकार से बीटा एलिमिनेशन का ही पार्ट है। क्या समझे है? बीटा एलिमिनेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तुमको कहोगे भैया मज़ा नहीं आया है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ बताइए ना, समझाइए ना कैसे क्या हो रहा है। जैसे फिजिक्स में बताते हैं कि देखो ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ भी कुछ बताइए ना। तो हम कहेंगे देखो बेटा, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसका मैकेनिज्म, कि आखिरकार ये रिएक्शन आखिरकार हो कैसे रही है, मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो अब हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो इसमें कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है कि जो एल्कोहल होता है ना तुम्हारे पास एल्कोहल, वो क्या हो जाता है? प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड मतलब होता है कि उसके पास H प्लस मतलब हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास प्रोटोनिक एसिड है, मान लो H2SO4 है, तो प्रोटोनिक एसिड जब ये जाएगा तो ये सॉल्यूशन में मतलब डिजॉल्व होगा तो H प्लस दे देगा ना। ऐसे मानो, देखो जैसे मान लो कि कंटेनर है, इसमें अल्कोहल भी है पर इसमें हमने प्रोटोनिक एसिड भी मिला दिया है, तो इस कंटेनर में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटोनिक एसिड होने की वजह से इस कंटेनर में तुम्हें H प्लस भी देखने को मिलेंगे।
समझे कि नहीं समझे? तो जी एच प्लस क्या करेंगे, इससे करेंगे अटैच, मतलब अल्कोहल को कर देंगे प्रोटोनेटेड। देखो जैसे मान लो कंपाउंड इस तरीके से है एच एच, बताते हैं किस तरीके से होगा। देखो एच एच ओ एच एच, देखो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इस सॉल्यूशन में एच प्लस है, मतलब प्रोटोनिक, मतलब प्रोटॉन है एच प्लस। अब एक चीज़ तुम जानते हो कि थोड़ी बहुत भी जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और तुम हमेशा से जानते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। तो क्या करेगा कि जो एच प्लस है ना, वो देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव को खोजेगा, जो लड़का है वो लड़की को खोजेगा, तो इसके आके यहाँ प्रोटोनेटेड कर देगा अल्कोहल को, वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जब प्रोटोनेटेड कर देगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से एच एच ओ एच ए प्लस मान लो, और इस तरीके से हो गया प्रोटोनेटेड। बाकी कहानी ऐसे ऐसे है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो प्रोटोनिक जो H प्लस था उसने अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो अब अल्कोहल क्या हो चुका, प्रोटोनेटेड हो चुका है। देखो मतलब इस तरीके से सी सी एच 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 और एच और ए रहा ओ एच और इस पे आ जाएगा एच प्लस। तो जब प्रोटोनेट अल्कोहल हो गया है तो क्या कर देगा, ये वाटर को कर देगा लॉस, ये हो जाएगा वाटर का लॉस। जब वाटर का लॉस होगा तो कंपाउंड में क्या देखने को मिलेगा, एक देखो मान लो यहाँ से जब वाटर निकला तो एक क्या हो जाएगा, एक कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्बोकैटाइन। समझाएंगे सब कुछ समझाएंगे, घबराओ नहीं। ये होगा किस में कन्वर्ट, कार्बोकैटाइन, ये रहा वाटर H2O, मतलब इसके पास आ गया H प्लस। देखो इसमें बहुत कुछ बातें समझने के लिए है। पहली बात, ये जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है ना, ये स्लो स्टेप होता है, और 12th क्लास में पढ़ोगे कि जो किसी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जस्ट अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। देखो अब एक इसमें कन्वर्ट हो गया कैटाइन में, आखिरकार हुआ कैसे, देखो ये जब इसके पास H आया होगा तो इसके जो दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे ये इसने ले लिए, क्योंकि देखो H प्लस तो भिखारी था ना, क्या था भिखारी था ना, इसके पास तो अपना कुछ था नहीं वजूद, तो इसने क्या किया इसी के इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लिया है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़े तो इसने दो इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिए, तो मतलब वही कहानी हो रही कि इनने घर में से तिजोरी ताड़ दी। तो जब इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इनके पास बच गया है पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखो अगर मान लो सी एच, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिक होता है, मतलब बराबर बराबर आते हैं, तो सी इस तरीके से बनता है। अगर यही बॉन्ड इस तरीके से होता है कि दोनों ए लेके चला जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाएगा तो H प्लस में आ जाएगा, H माइनस में आ जाएगा। जस्ट इतना मतलब समझा रहे हैं। देखो ये आ गया है। अब तुम क्या जानते हो, जो कार्बोकैटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, क्या होगा वो स्टेबल नहीं होता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटाइन अपने आप को स्टेबल करता है, क्योंकि देखो यहाँ लिख लो कार्बोकैटाइन इज अनस्टेबल, तो वो क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल। देखो दुनिया में हर कोई अपने आप को स्टेबल ही कर रहा है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो स्टेबल करने, मतलब अपने आप को स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हो, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन एच 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 यहाँ बॉन्ड है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एच प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन ये पेयर क्या होगा, इसको दे दिए जाएंगे। देखो जो घर का मुखिया उसकी चलेगी, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, और प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास
एच प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये रहा एच प्लस, अब समझ में आया कि नहीं आया कि आखिरकार? देखो एच प्लस स्टार्टिंग में लिया, एंडिंग में वापस कर दिया, लेकिन जो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लिया था, जैसे देखो मान के चलते हैं, देखो ये जो अपने पास एच प्लस आया था ये कहाँ से आया था? एसिड से। इसका नाम रख लेते हैं चिंटू, समझे कि नहीं समझे? और जो एच प्लस आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसलिए इसका नाम रखते हैं पिंटू, समझे कि नहीं समझे? तो ये रही इस तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म। यहाँ कभी कभार दो समस्याएं देखने को आती हैं। एक समस्या होती है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, और एक वही समस्या आ जाती है सिटजिफ रूल वाली। इन अब दोनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कंपाउंड है सी 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 और इससे अटैच्ड है ओ एच 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 एच। देखो सब कुछ सेम रखेंगे लेकिन देखना प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। और इस किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? एच प्लस, मतलब प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में। तो अब देखो काम वही है कि ये प्रोटोनिक एसिड जो है एच प्लस है वो इस जगह अटैच करेगा, इसको अटैच करेगा तो ये लेके भाग जाएगा। जब ये लेके भागेगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4। मान लो एच 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 प्लस एच 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 एच। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो जब एक कार्बोकैटायन में चेंज हो गया है तो एक हाइड्रोजन गायब होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो तुम सोचोगे कि इसका कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, सी 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 डबल बॉन्ड एच एच एच। अब देखो यार कुछ बच्चे, यार देखो मेरी इज्जत की थोड़ी फिक्र करना, और कोई ये ना कह देना कि भैया आपने ये हाइड्रोजन क्यों नहीं हटाया है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला खुद अपना ज़रा दिमाग लगाना, बताना कि वाला मैंने क्यों नहीं हटाया है। क्योंकि कई बच्चे महान होते हैं जो और ज़्यादा डिटेल मतलब बड़े अजीब अजीब किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो तुम सोचोगे कि यार कंपाउंड ए बनना चाहिए, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? लेकिन मैं कहूँगा कि एक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, एक कंपाउंड होगा माइनर। क्या होने वाला है? माइनर। अब तुम कहोगे अगर ये माइनर है तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या है? मैं कहूँगा कि मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है, देखो सी 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 डबल बॉन्ड सी सी मतलब एच थ्री एच एच और एच थ्री। तुम कहोगे भैया आप इसकी कहानी विस्तार में बताइए आखिरकार ये आया कैसे, क्योंकि तुम ये सोच के वाला बैठो बन ऐसा रहा है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो हेडिंग डाल लो री अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि अगर रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का पॉसिबल, रीअरेंजमेंट मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन से दूसरी कार्बन पे जाना, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होना अगर कंपाउंड में पॉसिबल है तो सब तो वो कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल है। इसका मतलब है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो एक चीज़ हमें ऑब्जर्व देखने को मिलती है कि जो सेकेंडरी होता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब देखो सुनो बहुत ध्यान से सुनना अब, कि ये रहा जो कंपाउंड ऐसा एच 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 और एच। देखो तुम्हारी नज़र में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था, तो क्या होगा कि जस्ट मान लो कि एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ रिजर्वमेंट आएगा तो मान के चलते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ मान लो कि यहाँ एच आ गया है,
जो तुम्हारे पास कार्बोकैटायन है अब वो कुछ इस तरीके से है, एच 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 और एच, ये रहा क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नीचे एच बना लो। अब देखो ये सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है, तो मैंने क्या कहा है कि सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी कंपैरिजन में। तो अगर ये कहानी इस तरीके से आई है तो बॉन्ड हो जाएगा ए वाला ब्रेक, ए वाला चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तभी आगे बढ़ना, अगर नहीं आई तो बीच में ही रुक जाना। तो हमें देखने को मिलता है कि जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड बनता है 80%, मतलब ये कंपाउंड बनेगा 80% और ये जो कंपाउंड है ये बनता है सिर्फ 20%। तो मेजर प्रोडक्ट ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं आ रहा होगा समझ में, घबरा नहीं, और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास कंपाउंड है सी 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 और सी, और इससे अटैच्ड है ओ एच, यहाँ अटैच्ड है एच। अगर ये सिंपल सी करें मैं लाइन की, तो समझ लेना हाइड्रोजन है, क्योंकि बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस तरीके से ये रहा कंपाउंड। वही काम कराने वाले हैं कि हम प्रोटोनिक एसिड में से यहाँ रिएक्शन कराने वाले हैं। तो क्या करेगा, यही वही प्रोटोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ टेस्ट करेगा। जब यहाँ टेस्ट करेगा तो वाटर इसके साथ निकल जाएगा, जब इसके साथ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटोन कार्बोकैटायन का, 1 2 3 4 4। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है, और इसके बगल वाले पे ए रहा। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया है? अब हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। क्या करना है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ भी एच ही है ना, तो जो एच यहाँ होगा ना, ये सोच लो कि ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, और जो चार्ज है यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? देखो ये तुम्हें देखने को मिलेगा सी 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 प्लस सी एच थ्री। इसका मतलब ये है कि देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया है। इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके कंपैरिजन में ए वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि तुम जानते हो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये वाली कहानी तुम्हें इस तरीके समझनी है कि मान लो कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आग लगी है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या कर रहे हैं, पानी डालने का काम, और तुम जानते हो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो बताओ देखो यहाँ सिर्फ एक जगह से पानी छिड़का जा रहा है, और जबकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो बताओ इसके इन दोनों में आग कहाँ से अच्छे से स्टेबलाइज कराई जाएगी इसमें? तो मान लो कि ये ज़्यादा स्टेबल है, हमने क्या देखा है कि जो देखो टर्सरी ज़्यादा है, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो जो हमने इतना देख लिया कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली इसके पास हाइड्रोजन थे, इसके पास भी हाइड्रोजन थे, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन भाग जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो बॉन्ड बनेगा सी सी डबल बॉन्ड सी सी और सी एच थ्री सी एच थ्री, और इतना समझ लो कि यहाँ एच है और जहाँ एच थ्री है। ए रहेगा मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेना। अब और भी क्वेश्चन करते हैं, घबराओ नहीं। जैसे देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है एक ए रहा रिएक्टेंट एच सी सी, और ये मान लो इस तरीके से जो लाइन खींच रहे हैं वो तो क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ एच, ये यहाँ लगा है ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा मेन पर्पज़ है कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के पास भेज दो जहाँ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड है। तो देखो काम वही है कि प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं,
जब प्रोटोन एक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो ए वाला एच इस ओ एच को लेके भाग जाएगा। जब इसके साथ भागा तो हमारे पास क्या देखने को मिला, कंपाउंड आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऐसे तरीके से मान लो CH3, मान लो CH3 है ये रहा। अब जैसे ही कार्बोकैटाइन का प्रिपरेशन हो गई है तो अब मेन हमारा पर्पज़ है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाना है। तो आखिरकार यहाँ ज़रा सोचो कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज कहाँ दे दें कि जहाँ से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो देखो, अब देखो मान लो कि इससे अल्काइल ग्रुप ए अटैच्ड है, सिर्फ दो ही लोग अटैच्ड हैं कि नहीं है। अगर ये चार्ज हमने बगल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया तो देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं, ए रहा, एक ए रहा और एक ए रहा। तो अब मेन ये है कि इस CH3 को इस जगह ट्रांसफ़र कर दो और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भेज दो, तो कंपाउंड बनता है इस तरीके से CH3 H3 पॉजिटिव CH3 H3, ए रहा इसके पास। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली जानते हैं कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि इसको हटा दिया जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनता कुछ इस तरीके से CH3 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 और CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, तो कोई सोचेगा कि भैया आखिरकार आपने H यहाँ का क्यों हटाया है, हम तो H दूसरी जगह से भी हटा सकते थे। हम कहेंगे बिल्कुल बच्चा, तुम्हारी बात भी हम मानेंगे, H और ये रहा CH H H, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज H H H। देखो बेसिकली क्या है, ये अल्फा है, इसके जस्ट बगल वाला बीटा हो जाएगा, ये बीटा और बीटा एलिमिनेट करना है। तो आखिरकार इस कार्बन को हटाएं, सॉरी इस हाइड्रोजन को हटाएं, इस हाइड्रोजन को हटाएं, और इन दोनों का एक ही मतलब है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मेन आता है कि इसको हटाएं कि इसको हटाएं। तो अब यहाँ बात आ जाती है किसकी, सिटजिफ रूल की, किसकी बात आती है, सिटजिफ रूल। तो आखिरकार सिटजिफ रूल क्या कहता है, सिटजिफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड वहाँ आना चाहिए जहाँ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, मतलब वो मेजर प्रोडक्ट होगा जहाँ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड वहाँ आएगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो देखो इन दोनों से मिलकर बनाते, पहले इसको हटाते फिर इसको हटाते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि हमने इसको हटाया तो कंपाउंड बना हमारे पास इस तरीके से CH3 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 CH3, इसको हटा के बनाया है। अब तुम्हारे पास आता है कि हम इसको हटा देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड H H और ये ऐसा CH3 CH3 H, और इससे मान के चलते हैं कि ये CH3 अटैच्ड है। तो अभी बताओ, ये तुम्हारे पास ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं कि इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं? अंधा आदमी भी देखेगा ना, वो भी देख के बता देगा कि इसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो ए होगा मेजर प्रोडक्ट और ए होगा माइनर प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कहा, सिटजिफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी एलिमिनेशन हो रहा है ना वहाँ सिटजिफ रूल का यूज़ आने वाला है, कि जहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव किया ना तुमने, काम पड़ गया कि नहीं पड़ गया। अगर जिसने सिटजिफ रूल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो, देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंड लार्स कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ तुम देखना अलग अलग चीज़ यूज़ करेंगे, अलग सिज और ट्रांस तुम्हें देखने को मिलेंगे। सिज ट्रांस को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और एक होता है ब्रिज रिडक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ तुम पढ़ोगे कोलबेस रिएक्शन, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस है। तो भी हम तीन टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवाइज कर लो। अगर यहाँ कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो कि आखिरकार कुछ किस तरीके से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइंस बोल रहे हैं, इतना जान लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर पॉसिबल है एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ दिया जाए जहाँ सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे।